कुदरत के कहर से जूझ रहे उत्तराखंड के सामने बड़ी चुनौती राहत और बचाव की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना हो या फिर आज हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश, रावत तुरंत एक्शन लेने में यकीन रखते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम ने दुख जताया है, साथ ही उत्तरकाशी में आपदा की मार झेल रहे परिवारों को राहत का ऐलान भी किया। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए के मदद की घोषणा की गई है। राहत और बचाव कार्य के लिए 300 लोगों की टीम तैनात की गई है। कुल मिलाकर 300 कार्मिक जो खोज और बचाव कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें प्रशासन के अलावा पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी और वन विभाग और आपदा खोज व बचाव दल के लोग हैं। कुल मिलाकर के 300 लोग हैं। बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे उत्तराखंड के लिए ये आपदा इतनी बड़ी है कि अब तक 130 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंच चुका है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रावत सरकार हालात पर करीब से निगाह रखे हुए है और लोगों तक राहत पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो इसमें जो जरूरी खाने की सामग्री है, खाद्यान्न है, ये 1000 किलोग्राम आटा, दाल, चावल, इसके अलावा 2000 फूड पैकेट्स, 5000 लीटर पानी एवं 16000 लीटर टैंकर्स के द्वारा वहाँ पर पानी और 300 कंबल, 50 टेंट, दवाइयाँ और रात में भी काम करने के लिए किया जा सके आराम से, तो उसके लिए आस्का लाइट्स वहाँ पर भेजी गई हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यस्तता के बाद भी सीएम रावत की ये मुस्तैदी काबिले तारीफ है। कल वो दिल्ली भी पहुंचे थे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और उत्तराखंड के हालात से उन्हें वाकिफ कराया। गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का वादा भी किया है। R9 TV के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।